नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं के सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज टुडे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जी हां, परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इतनी बड़ी बात कही है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या अभी तक आप लोगों ने फ़ोन नहीं किया? जल्दी से फ़ोन करिए, अपना फ़ोन उठाइए और ये नंबर डायल करिए जो डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहा है। लखनऊ में गोल्डन ग्रुप के अलावा इससे सस्ता प्लॉट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इतनी सारी सुविधाओं के साथ में 50% आप अगर पैसा देते हैं तो बाकी का इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। 50% पैसा देने के बाद आपके प्लॉट की आपके नाम रजिस्ट्री हो जाती है। तो कितना आप सुनहरा ये अवसर है लखनऊ जैसे शहर में। आपको बिहार से लोग लखनऊ में बस रहे हैं, झारखंड से लोग लखनऊ में बस रहे हैं, दिल्ली से लोग लखनऊ में बस रहे हैं, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र के जो उत्तर प्रदेश के अदर जिले हैं वहाँ से लोग लखनऊ में बस रहे हैं, मुंबई जैसे शहर को छोड़ करके लोग लखनऊ में बस रहे हैं, और आप लोग अब तक किसका इंतजार कर रहे हैं? तो नितिन गडकरी जी का जो बयान जो आया है, मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कृपया आप लोग पूरा वो वीडियो देखिए। देखिए, प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है। इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। और ये अधिकार कोई कांग्रेस पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दिया है, ये अधिकार हमारे संविधान में है। फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये सब बातें होने के बाद में भी शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने आंदोलन नहीं करना चाहिए, ये बात मुख्यमंत्री जी ये बात प्रधानमंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं? क्या उनका कहना कानूनी है? क्या उनका कहना संविधान के दायरे में उचित है? मुझे लगता है इसका प्रधानमंत्री ने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। एक बात जरूर है कि जो लोग एक टू जी स्पेक्ट्रम में जीरो भ्रष्टाचार हुआ कहने वाले लोग थे, जो एक बार रामदेव बाबा को संत कहकर उनको तीन तीन बार चार चार बार मिलने के लिए गए, जिन लोगों ने अन्ना हजारे के साथ चर्चा की 10 बार, तब लोग अच्छे थे। अब भ्रष्टाचार हटाने की बात को छोड़कर जो लोग बोल रहे उन्हीं को टारगेट करके एक प्रकार से उनको समाप्त कैसा किया जाए, अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपका आंदोलन कोई चलने नहीं देंगे, इस प्रकार की नीति है। एक तरफ सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, ये पूरी तरह लोकतंत्र के विरोध में है। और हिंदुस्तान के जनता जो लोकतंत्र को अपना आत्मा मानती है, वह ऐसे बातों का कभी समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि इमरजेंसी में इन्हीं हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र के विरोध में जो कुछ हुआ उसका प्रतिकार करके उस समय के सरकार को सबक सिखाई थी। और निश्चित रूप से अगर इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी अगर देश चलाना चाहते हैं तो देश की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर दीजिएगा। क्या अपनी बात को रखना इस देश में, जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मौलिक अधिकार है, उस बात को रखना, शांतिपूर्वक रखना, और सरकार इन सब अधिकारों को दबाना चाहती है? तो नितिन गडकरी जी ने ऐसा इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि उनके ऊपर आरोप लगाया है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीआईपी न्यूज़ टुडे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।